ओमाक्षस्रगभरशुङ्गदेशुकुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाससुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिवमर्दनीमहां लक्ष्मीं सरोजस्थितां सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्य सुदान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का है सितंबर के मध्यकाल में। देखिए, सितंबर के मध्यकाल में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, कई बड़े उत्सव आ रहे हैं और ये ऐसा समय है कि यदि अद्भुत कार्य रूप से आप काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। देखिए, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध राशि परिवर्तन तो कर चुके हैं लेकिन ऐसे में बुध अस्त हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बुध और सूर्य का स्थान परिवर्तन योग जो बन रहा है ये बहुत विशेष है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए यदि सही डायरेक्शन पकड़ लेंगे तो कर्क राशि वालों बहुत अच्छा आपके लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। पुरुषार्थ को बढ़ाने का समय है, इसको सही रूप से आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तुला में जैसे जो विशेष तौर पर बुध की जो शुक्र की राशि है, वहाँ जो शुक्र है स्वग्रही होने जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। महालक्ष्मी के व्रतों से ये समय आरंभ होने जा दिखाई दे रहा है। महालक्ष्मी के व्रत ऐसे अद्भुत हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो शुक्र भी उच्च के अपने स्वग्रही होकर चल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सुंदर समय है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का। और 11 तारीख को वही योग बन रहा है। 11 सितंबर की हम बात करें, बुधवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है उस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे लेकिन रात में। लेकिन सुबह जो परिवर्तन आपके लिए होने से पहले जो योग बना रहे हैं वो आपके लिए बहुत सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो चंद्रमा आपके लिए बनते पंचम भाव में बैठकर बृहस्पति के सम्मुख होकर बैठे हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। बृहस्पति चंद्रमा एक दूसरे के सदृश होकर सामने सम्मुख होकर रास्ता बना रहे हैं पॉजिटिव आपके लिए। और ऐसे में महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ हो रहे हैं, तो सुंदर तरह से इस यदि योग का लाभ लेना चाहते हैं ना तो महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। हम बताएंगे कैसे करने हैं आपको। महालक्ष्मी के व्रत अद्भुत हैं, ये 16 दिन 16 मंत्रों के हैं और जो इन 16 मंत्रों का सही विधि से पाठ कर लेते हैं वो हम पूरी विधि आपके समक्ष रखेंगे। इस दिन राधाष्टमी भी है, राधाष्टमी भगवती की आराधना करने का अवसर है। भक्ति मार्ग से चलने का प्रयास कीजिए, समस्त ग्रह अनिष्ट जो है वो भी आपके एक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत यह है कि इस वक्त कर्क राशि वालों के लिए आपके लिए शनि महाराज जो है कई मामलों में विघ्न उपस्थित करने के योग बना रहे हैं, तो शनि को आपको लगातार मनाते हुए करना पड़ेगा। और शनि को मनाने के लिए राधाष्टमी के दिन सुंदर प्रयोग करना बड़ा सुंदर रहता है, तो तिल के द्वारा थोड़ा तिल का दान कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। भगवती की सुंदर आराधना कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 12 तारीख की हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, नवमी तिथि है और ये नवमी तिथि जो है ये दिखा रही है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण परिवर्तन का योग। चंद्रमा परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से चले गए हैं छठे भाव में, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भारी समय दिखाई देता है। ये आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के मामले में थोड़े वीक जाते दिखाई दे रहे हैं, तो दूध का दान, महामृत्युंजय मंत्र का जप, ये सब करने का प्रयास कीजिए। पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, केसर का सेवन करने का प्रयास करें, ये सब चीज़ें थोड़ी आपको मनोमस्तिष्क को उद्धव गति का प्राप्त करने के रूप बनाएंगे। लेकिन इमोशनली थोड़ा सा ये समय वीक दिखाई देता है, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए, इस दिन ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र के योग चल रहे हैं जो 11 और 12 तारीख को रहेंगे विद्यमान, तो कोई जातक नया जन्म ले रहा है तो ध्यान रखिएगा उनकी मूल शांति अवश्य करा लें। और जिन लोगों की ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र है उन्होंने मूल शांति नहीं कराई है तो ध्यान रखिए हर 27 दिन बाद ये नक्षत्र घूम के आते हैं, तो अवश्य हजार मंत्र जप, नित्य प्रति जप कर मूल मंत्र का विशेष तौर पर जप करा कर उसको अपनी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, नहीं तो ये ग्रह नक्षत्र जो है जीवन में कई बार कष्ट देने के योग बना देते हैं। 13 तारीख की दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से समझा जाए तो समय थोड़ा सा आपके लिए कई मामलों में सावधानी से चलने का तंत्र दिखाई दे रहा है। ये ग्रह नक्षत्र साफ साफ दिखा रहे हैं शुक्रवार का अवसर है और इस वक्त शुक्र महाराज परिवर्तन की तरफ बहुत आगे बहुत तेज गति से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो तेज गति से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं ये बता रहे हैं कि आप यदि पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो आप अच्छे से उठा सकते हैं, लेकिन आप कई मामलों में थोड़ी सी चूक होती दिखाई दे रही है। सफलता में जो चूक हो रही है वो इन दिनों थोड़ा सा इमोशनल आपको परेशान करने के योग बना सकती है, तो अपने आप को इमोशनल मोटिवेट करने के लिए आपको गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा होगा कि भगवती महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर खीर का उनको भोग लगाने का प्रयास कीजिए, गरीब कन्याओं की सेवा करने का प्रयास कीजिए, गौ का पूजन करने का प्रयास कीजिए। सुंदर उपाय है, इनको कर आप अपने गृह नक्षत्रों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं।
14 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुंदर तरह से चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और ये आपको मोटिवेट करेंगे, नई ऊर्जा शक्ति देंगे। सुबह 3:19 पर चंद्रमा परिवर्तन करके आकर ये 2-3 दिन जो वीक गए थे उन सब की कसर निकालने के लिए बृहस्पति के बिल्कुल सुंदर दृष्ट होकर, बृहस्पति दृष्ट होकर चंद्रमा आपके सप्तम भाव में योग बना रहे हैं, ये आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। यानी आने वाले 2-3 दिन आप यदि सही दिशा पकड़ लें तो बहुत सुंदर रास्ता बना सकते हैं। एकादशी का अवसर है, शनि का शनिवार का दिन है। एक दिव्य उपाय हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। शनि इंद्रों वक्री होकर आपके अष्टम भाव में विराजमान है और सफलता पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के योग पर आए हैं। तो कर्क राशि वालों एक उपाय बताएं हम आपको, करने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्या करें आप विशेष तौर पर कि थोड़ा सा तिल एक लोटे में लेकर गंगा जल में लेकर भगवान विष्णु का उस पर स्नान करा लें और उस चरणामृत को ग्रहण कर प्रयास भी कीजिए और ये शनि को भी अनुकूल करेगा और उस प्रसाद से आपके आदि व्याधि भी दूर होने के योग बन जाएंगे। समझ लें तिल का संबंध भगवान विष्णु के साथ है, शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, ये उपाय अवश्य कर लाभ ले सकते हैं, बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए। चावल का त्याग करें, हो सके तो अन्न का दान करने का प्रयास कीजिए, शनि भी अनुकूल होंगे आपके लिए। 15 तारीख का अवसर, रविवार का दिवस, द्वादशी तिथि, वामन जयंती का सुंदर अवसर है। भगवान के भवन अवतार और साथ साथ रवि प्रदोष का योग बन रहा है और ये दोनों के दोनों उत्सव बड़े सुंदर आपके लिए दिखाई देते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उपाय करने के लिए देखिए, इस दिन एक परिवर्तन का योग बन रहा है। सिंह राशि में चलते हुए बुध अस्त होने जा रहे हैं, सूर्य के अति सन्निकट आने के कारण से बुध होने जा रहे हैं अस्त, और ये बुध का अस्त होना जो है ना थोड़ा सा कष्टकारी है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। थोड़ी सी आपकी योग्यताओं में कई कार्यों में बुध जो है थोड़ा सा नेगेटिव भाव उत्पन्न करता दिखाई देगा, ऐसे में आपको विशेष तौर पर उपाय करना चाहिए। ब्राह्मण कन्याओं की सेवा करने का प्रयास करें, ज्ञानी जनों की सेवा करने का प्रयास करें, और वामन जयंती भी है तो इसका बुध को ठीक करने के लिए सुंदर ये उपाय करने का प्रयास करें। देखिए बुध अस्त हो रहा है और बुध अस्त होने के कारण से द्वितीय भाव में चलता हुआ बुध, इस बात का ध्यान रखें कि बुध का ये अस्त होना ये बहुत आपके लिए ध्यान रहेगा। और यदि आपके मुख से बुध के अस्त होते हुए कुछ अपशब्द निकलने ज़्यादा शुरू हुए तो ये बुध और ख़राब कर देगा ग्रह योगों का, तो ध्यान रखें अब मुख से कोई गाली अपशब्द नहीं निकले, ये बुध का ध्यान रखने। बहनों की सेवा करना ये बहुत सुंदर उपाय है, बुध को ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर उपाय है, इसको करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कर्क राशि वालों 16 तारीख के लिए भविष्य क्या दिखाता है, आपको ग्रह नक्षत्रों का योग क्या दिखाता है जान लीजिए। 16 सितंबर के दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि के साथ साथ कुंभ राशि में सुबह सुबह 5:40 पर चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है और ये चंद्रमा शनि महाराज के साथ युक्त होकर आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर कन्या राशि में सूर्य भी प्रवेश कर रहे हैं और कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होना आपकी राशि के अनुसार से एक पॉजिटिव ग्रह नक्षत्र परिवर्तन होने के योग बनते हैं, पुरुषार्थ में इंप्रूवमेंट होने के योग बनेंगे, थोड़ी हिम्मत जागती दिखाई देगी, बहुत सारे कार्यों में आप पॉजिटिव कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुध और सूर्य दोनों एक दूसरे के स्थान का परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं तो ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं प्रकार से उन्नति का योग बना सकता है। सोमवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है तो सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल दें, भगवान शिव की उपासना करें और कार्य करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। 17 तारीख का दिन, उस दिन से श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं, अनंत चतुर्दशी का अवसर भी है और देखिए इस दिन सत्यव्रत भी रहेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे चतुर्दशी के दिन श्राद्ध आरंभ, जी हाँ, क्योंकि अगले दिन जो पूर्णिमा है वो विशेष तौर पर केवल 8:03 तक रहेगी और चतुर्दशी इस दिन 17 तारीख की हम बात करें तो 11:44 पर ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मध्यान्ह के अवसर पर पूर्णिमा आ जाने के कारण से उसी दिन श्राद्ध किया जाएगा। तो मलय आरंभ जो हो रहा है, श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारीख से। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आपके ग्रह योग को समझने का प्रयास किया जाए तो इस दिन जो तिथि है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा संसार से विरक्त करने का योग बना सकती है, मन थोड़ा सा हल्का रहता दिखाई दे रहा है। कोशिश करें भगवान की सुंदर उपासना करने का प्रयास करें, अपने मित्रों के लिए तर्पण करने का प्रयास करें, भगवान गणेश का सुंदर स्थान ध्यान करें। अनंत चतुर्दशी का अवसर है, देखिए अनंत चतुर्दशी का मतलब होता है अनंत पुण्यों को प्राप्त करने का अवसर और साथ साथ जो भी कर्म करेंगे उसका अनंत फल प्राप्त होगा, अक्षय फल प्राप्त होगा। तो ऐसे में ध्यान रखें, पुण्य कार्य ज़्यादा करने का प्रयास करें, गलत कार्य मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, उसका भी अनंत गुना फल प्राप्त हो सकता है। सत्य व्रत करें, सत्य व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इस कलिकाल में कहा जाता है कि भगवान सत्यनारायण की उपासना करके, उनकी कथा करके, उनको श्रवण कर कर ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप कर लेने से समस्त अरिष्ट जो है जीवन से दूर हो जाते हैं।
इस बात का ध्यान रखें। और जैसे श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं तो इस बात का भी एक और कार्य कर लें कि आपको यदि अपने पितरों के निमित्त जो भी जिस अमुक तिथि पे उनका गमन है, श्राद्ध का अवसर है, श्रद्धा का समर्पण करना चाहिए, उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप विदेश में कहीं ऐसी अवस्था है नहीं कर पा सकते तो उसमें आश्रम का सहयोग आप ले सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। 18 तारीख का दिवस बुधवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि जो है वो करीब करीब 8:03 पर जैसा हमने कहा आपको समाप्त हो जाएगी। और उस दिन विशेष तौर पर तुला राशि में शुक्र भी प्रवेश कर रहे हैं और प्रतिपदा उस दिन क्षय है, और साथ साथ मीन राशि में 5:42 पर चंद्रमा का परिवर्तन होने का योग बनेगा। ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए मीन राशि में जाकर चंद्रमा बहुत सुंदर योग बनाएंगे, धर्म का उदय करते दिखाई दे रहे हैं, मनोमस्तिष्क में भाग्य से बहुत सारी चीज़ों में लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्र का परिवर्तन सुख भाव में स्वग्रही होकर होना ये भी आपके लिए आने वाले कुछ दिन तक अच्छे योग बनाते दिखाई देंगे। महाराज शुक्र, महाराज स्वग्रही शुक्र विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा भी इस दिन आपकी राशि के स्वामी बड़े सुंदर हैं और शुक्र भी बड़े सुंदर हैं, तो ये योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। तो धर्म में आस्था जितनी रहेगी उतना कल्याण, लेकिन ध्यान रखिए दुर्जन लोग छोड़ते नहीं हैं, जितने धर्मात्मा रहेंगे हम लोग दुर्जन उतने ज़्यादा धोखा दे सकते हैं, तो इसलिए शुक्र की चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, भारत में चंद्रग्रहण तो नहीं लग रहा है लेकिन बहुत सारे देशों में चंद्रग्रहण का योग बनता दिखाई दे रहा है। शाम को मीन राशि में चंद्रमा जो है और जो ग्रह योग बन रहा है वो विशेष तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल सम्मुख सूर्य होने के कारण से चंद्रमा और सूर्य का सम्मुख एक दूसरे के आ जाने से जिस प्रकार का ये योग राहुकेतु के साथ मिलकर बन रहा है, ये बड़ा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कई प्रकार के योग बनाता दिखाई दे रहा है, तो उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। और ऐसे में सबसे श्रेष्ठ ये है कर्क राशि वालों के लिए अपने वजन के बराबर चावल को दान करने का प्रयास करना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण आपके कष्टों को हरे, चंद्रमा का संबंध आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर है और चंद्र के साथ साथ चंद्र ग्रहण जो लग रहा है ये थोड़ा थोड़ा अनिष्टकारी हो सकता है, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। ये चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर पर हमें समझना चाहिए मीन राशि में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होगा, और जिन राशि में चंद्र ग्रहण पड़ता है उनको बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण पड़ेगा वो तो है ही है, मीन राशि में जो ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रहण जो है भारत में अदृश्य है लेकिन ईरान, इराक, पूरे यूरोप में, अमेरिका में ये ग्रहण पड़ेगा। और इसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा विशेष तौर पे, वो भी ध्यान रखने वाला 2 अक्टूबर को पड़ेगा। तो ये दोनों के दो जो ग्रहण पड़ रहे हैं विशेष तौर पे दिखाते हैं कि कहीं ना किसी राज्य में कोई बहुत विशेष तौर पे घटना घट सकती है। और आप देख ही रहे हैं इस वक्त विशेष तौर पर ईरान, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो हाल चल रहा है वो बड़ा भयावह है, यही स्थिति दिखाती है। प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बन सकता है इस समय में, कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम सावधानी से कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि रेल इत्यादि की, वायु इत्यादि की दुर्घटनाएं होने के योग भी दिखाई देते हैं, उठा पटक का माहौल रहेगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण अदृश्य है तो इसके लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में 2 ग्रहण पूरे मिडिल ईस्ट में जो पड़ रहे हैं 15 दिनों के अंदर में, ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देता। और वहाँ पर कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में के लिए, राजाओं के लिए, कई क्षेत्रों में लोगों के लिए, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए भारी रहेगा। तो आप अपने विशेष तौर पर कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 19 तारीख की बात कर लेते हैं। 19 तारीख वालों के लिए विशेष तौर पर यह समझने की जरूरत है कि बृहस्पतिवार का अवसर है उस दिन और द्वितीया तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह अनुकूल दिखाई देते हैं। मंगल चंद्रमा के साथ जिस प्रकार का योग बन रहा है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है आपकी राशि के अनुसार से यदि समझें तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रभाव को बढ़ाता दिखाई देगा। जनसेवा करने से, पर गरीब परित्यक्त की सेवा करने से आपको अच्छा रास्ता बन सकता है, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। और इस वक्त बाकी सारे ग्रह कई क्षेत्रों में आपके लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र भी बहुत सुंदर आपकी राशि में योग बना रहे हैं। द्वितीया का श्राद्ध इस दिन रहेगा, जिन पितरों के निमित्त जो द्वितीया का गमन जिनको हुआ है उस दिन विशेष तौर पर उनके निमित्त श्रद्धा का समर्पण, तर्पण इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करें। मध्यान्ह काल के अंदर ये कर्म किया जाना चाहिए। 20 तारीख के दिन शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि है, उस दिन विशेष तौर पर तृतीया का श्राद्ध रहेगा और सुबह सुबह 5:14 के आसपास ग्रह परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये परिवर्तन बहुत विशेष आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा मेष राशि में जाकर आपकी राशि में जो योग बनेगा वो दशम भाव में बैठकर सफलता का योग बनाता दिखाई दे रहा है, काम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। तृतीया का श्राद्ध जैसा हमने कहा उस दिन रहेगा, साथ साथ भद्रा का योग भी है जो करीब करीब सुबह 10:57 से शुरू होकर रात्रि में करीब 9:30 तक योग रहेगा। तो ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण
दृष्टिकोण से जो हमने आपको उपाय बताए हैं वो अवश्य करें, परिवर्तन का योग बनेगा, कष्ट होंगे तो दूर हो जाएंगे। तो इन दिनों महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। कहा जाता है कि इन महालक्ष्मी के व्रतों में जो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लेता है, लेकिन एक बात समझें, केवल व्रत व्रत नहीं है, विधान है पूरा। श्री सूक्त के अंदर भगवती को महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जिसको महालक्ष्मी उपनिषद के अंतर्गत भगवती की आराधना करने का ऋग्वेद के अंदर बताया गया है वह 16 मंत्र 16 विधियां उपस्थित की गई है। बड़ी श्रद्धा के साथ यदि इन 16 दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होते हैं, आमतौर पर बाह्य कृत्य तो बहुत सारे कर लेते हैं, व्रत कर लेंगे और पता नहीं 16 जो गांठों वाली माला भी धारण कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक विधि है मंत्र जप और यज्ञ भगवती की प्रसन्नता के लिए वो नहीं हो पाता है। और हम सत्य माने आपको हम बताएं कि अद्भुत है महालक्ष्मी की जो व्रत है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी के व्रत इन 16 दिनों में जो करते हैं और श्री सूक्त का पाठ नित्य प्रति करते हैं, भगवती महालक्ष्मी उन पर अद्भुत कृपा करती हैं, प्रसन्न करती हैं। शास्त्र में कथा आई है, आपने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी होगी, भगवान विष्णु की मूर्ति जितनी भी मूर्ति देखी जाती है उनके अंदर उनके हृदय पर एक भृगु पद चिन्ह उपस्थित होता है, यानी महाराज भृगु का पैर का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर उपस्थित होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार शेष विश्राम कर रहे थे, शेषैया पर विश्राम करते हुए महाराज भृगु वहाँ पहुँचे और भृगु महाराज की इच्छा थी भगवान के दर्शन करें। भक्त की इच्छा यदि भगवान के प्रति दर्शन करने की हो और भगवान के दर्शन ऐसे कैसे हो सकता है उनको ना हो, तो कहा जाता है महाराज भृगु पहुँचे जब क्षीर सागर के अंदर, तो भगवान विष्णु शेषैया पर विश्राम कर रहे थे। जब भृगु के पहुँचने पर भगवान उठे नहीं तो भृगु बड़े रुष्ट हुए, बोले महाराज लगा कि भक्त आया, भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान योग निद्रा में थे और कहा जाता है कि योग निद्रा वो चीज़ है कि जिससे निकलने के लिए भगवती स्वयं प्रेरणा देती हैं भगवान को उनके नेत्रों में जाकर, तो उससे बाहर लाने के लिए भगवती की प्रेरणा उस वक्त थी नहीं। तो कहा जाता है भृगु ने महाराज ने भगवान के हृदय पर आघात किया, पैर उनमें रखा छाती पर, भगवान तत्काल उठे और महाराज आप मेरी दुष्टता क्षमा करें, महाराज भृगु आए और भक्त आए और भगवान सोते रहे। तो भगवान ने तत्काल महाराज भृगु को प्रसन्न किया और कहा महाराज मेरे लायक जो आज्ञा हो बताएं आप। तो भगवान भृगु महाराज के साथ जो भी वार्तालाप भगवान की हुई, लेकिन भगवती वहीं भगवान के पास विराजमान थी, उन्होंने महाराज भृगु से कहा कि महाराज भृगु आपने भगवान का अपमान किया और तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊँगी, आपके पास नहीं जाऊँगी, आपके पास ऊपर हमारी कृपा नहीं होगी। तो महाराज भृगु ने भगवती के समक्ष बड़े अनुग्रह विनिग्रह साथ प्रार्थना की कि माँ भगवती, ये तो मेरा और भगवान विष्णु का प्रेम था कि जिसको इस लीला के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया, लेकिन आपने जो श्राप दिया मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे मंत्रों का सृजन करता हूँ कि जो इन मंत्रों का जप करेगा, ब्राह्मण क्या कोई भी वर्ण का व्यक्ति उसको जप करेगा, आपको उनके पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये 16 जो दिन है उपासना करने के, उन्हीं मंत्रों की उपासना करने का दिन है। वो इस प्रकार से मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मर्मगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामेश्वरम पुरुषानम। ये 16 मंत्र हैं पूरी तरह से। यदि नित्य प्रति इनका इन 16 दिनों में जप किया जाए तो चमत्कार ऐसा हो नहीं सकता कि उपस्थित ना हो। हमने नित्य प्रति अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिवस में महायज्ञ महालक्ष्मी का रखा हुआ है, आप भी इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए, जो कहते हैं ना कि भगवती कृपा प्राप्त नहीं होती, विधि नहीं जानते हैं, यदि विधि जाने तो माँ भगवती बाध्य हैं इन मंत्रों के माध्यम से कृपा करने के लिए। तो इसलिए यदि इन मंत्रों के उपस्थित होते हुए भी आज समाज कहे कि भगवत भगवान कृपा प्राप्त होती नहीं है, बिल्कुल होती है, करने वाले नहीं होते हैं। हमने हजारों लोगों पर, हजारों लोगों के माध्यम से हजारों बार इस प्रयोग को करके देखा है, भगवती महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने का रास्ता अद्भुत रूप से बनता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ इन महालक्ष्मी के व्रतों में भगवान भगवती की आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं, इससे अभी बहुत श्राद्ध भी अद्भुत चीज है। हमारे जीवन में कर्मानुसार हमें कई प्रकार के कर्म करने होते हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, कई प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना होता है उन सबको निवृत्त करने के लिए। आमतौर पर लोग कह देते हैं पितृ दोष है आपकी कुंडली के अंदर, दोष नहीं होता, ऋण होता है। दोष नाम की चीज, पितृ दोष जैसी कोई चीज शायद, पितृ आप रुष्ट हो सकते हैं, पितरों से पितर आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे। हाँ, ऋण होता है जो आपने उतारा नहीं तो सिर पे चढ़ता जाता है भार, कर्म का भार जो चढ़ता जाता है, दुष्कर्म का भार चढ़ता जाता है, वो आपको परेशान करता है, कष्ट करता है। किसी के माता पिता किसी से रुष्ट कैसे हो सकते हैं,
वो तो संसार के विपरीत जाने पर भी हमारे माता पिता हमसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऋण आप नहीं उतारेंगे तो फिर वो आपको जो कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर परेशान करता रहेगा, इस बात का हमें समझना चाहिए। और निवृत्ति के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए? अरे सबसे बढ़िया है श्राद्धों में अवश्य, बड़ी बड़ी अजीब अजीब परिपाटियां हैं, लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी है कि श्राद्धों के अंदर किसको श्राद्ध करना चाहिए, अरे किसको नहीं श्राद्ध करना चाहिए। अरे हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या स्त्री क्या पुरुष। जी हाँ, आज तो बड़ी विचित्र व्यवस्था ही है बन गई है कि बड़े भाई साहब करेंगे, छोटे भाई करते ही नहीं है, या वो कर लेंगे हमने नहीं किया। स्त्री कहती है कि पुरुष कर लेंगे हमने नहीं किया। अरे शास्त्र पिता माता जो पितर थे वो सबके हैं, ये सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए नित्य प्रति, और उसमें कोई बहुत बड़ी परिपाटी नहीं है, हजारों रुपए खर्च होंगे कुछ नहीं। श्रद्धा का समर्पण है, श्रद्धा श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है, खाली श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है ना, तो श्रद्धा का समर्पण है। आप केवल जल ही अर्पित कर देंगे तो उसी से पितरों की तर्पित हो जाती है, बस याद उनके निमित्त गायत्री जप करना, उनके निमित्त पितृ गायत्री का जप कर लेना, उनके निमित्त गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना, उनके निमित्त जल चढ़ा देना, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, किसी गऊ का ग्रास निकाल दें, काक का ग्रास निकाल दें, चींटी के लिए ग्रास निकाल दें, और अमुक श्राद्ध तिथि में जिस दिन श्राद्ध आए तो अवश्य तर्पण कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सीधा साधा तरीका है, आप सब इस बात को माने। शास्त्र में अनेक प्रकार से इन समस्त बातों को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है, समझाया गया है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग इसको प्रपंच के रूप में उपस्थित करते थे। हाँ, कुछ है भी स्थिति ऐसी कि आज समाज के अंदर कुछ प्रकार के ऐसा प्रपंच भी बन गया है कि जिसके अंदर उस पूर्ण संपूर्ण विधि को हटाकर कुछ ऐसी गलत बातें जोड़ दी गई हैं। अभी बहुत दिन पहले मैं किसी चैनल पर लाइव कार्यक्रम कर रहा था, उस व्यक्ति ने मुझे लाइव पूछा कि महाराज आप बताएं कि ये जरूरी है क्या इतने लोगों को भोजन कराया जाए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 400 लोगों को, पूरे उनके यहाँ परिपाटी थी गांव के, गांव लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था 13वीं के भोजन पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप पूरे गाँव को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ अपनी सामर्थ्य को देखते हुए इस बात को कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए। परिपाटी गलत कहाँ से आरंभ हुई कि किसी बड़े व्यक्ति ने भोजन कराया और आप जाके वहाँ भोजन करके आए, और उसके बाद आपने उस समाज में अपनी नाक प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी नाक को बड़ा करने के लिए कि उससे बड़ा परिपाटी मुझे करनी है, तो पितृ तो नहीं, शास्त्र तो नहीं कहता। तो शास्त्र को गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करके कुछ लोग तथाकथित तौर पर उपस्थित करते हैं, लेकिन श्राद्ध में जो शास्त्र में जो बात की गई है, जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के लिए, वो उसमें तो केवल तिल चावल जौ और जल इसकी अपेक्षा है, और श्राद्ध में आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए करें, बहुत सीधी सादी विधि है, आप अवश्य करने का प्रयास करें। हमने कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण विधि बताने का प्रयास किया है, और उसको करेंगे तो इन श्राद्धों के दिनों में नित्य प्रति आप अवश्य, पता नहीं जिन जिन आपके पितर हैं जिनको आपको याद है, उस दिन तो कम से जिस तिथि पर उनका गमन हुआ है उस तिथि पर अवश्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर व्यवस्था हो सके तो भोजन करा दीजिए, कुछ किसी को गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, दो केले लेके दे दीजिए, गाय के हली हल्का सा दो फल ले जाकर खिला दीजिए, दो गुड़ की ढेली खिला दीजिए, तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त, बस इतना ही बहुत यदि कर सके, गायत्री का जप कर दीजिए। तो ये संपूर्ण व्यवस्था है हमारे आश्रम पर, हमने व्यवस्था करी है। आप यदि अपने घर पर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पर तर्पण की, गायत्री यज्ञ की और जप इत्यादि की सबकी सुंदर, ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है। आपके सामने नीचे सबस्क्रीन पर फोन नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त इस विधि को जान सकते हैं, और अपने लिए उस कार्य को करवाने के लिए भी यदि अपेक्षा, यदि कोई श्रद्धा से कार्य नहीं हो पा रहा है तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हमारे जीवन में अननेसेसरी कुछ ना कुछ कष्ट, कैसा परेशानी चलती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं, और फिर किसी व्यक्ति के कारण से मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव आ जाता है कि जब दुष्ट चल रहा होता है कि पितृ दोष हो गया, पितृ दोष नहीं है, पुनः कहेंगे हम पितृ ऋण हो जाता है। तो इसलिए श्राद्ध के समय पर इस सुंदर व्यवस्था को हम समझें, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है उसको अवश्य करने का प्रयास करें, कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य रास्ता बनेंगे। और हम जैसी व्यवस्था कर रहे हैं पूर्ण संपूर्ण श्राद्ध काल में, पूरे के पूरे जो श्राद्ध का समय चल रहा है उन दिनों में विशेष तौर पर आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहेगी, और श्राद्ध जो आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारीख से आरंभ हो रहे हैं, 17 सितंबर से लेकर आरंभ होंगे। तो उस पूरे के पूरे इन 16 दिनों में आश्रम पर सुंदर यज्ञ गायत्री का ही है रहेगा, और साथ साथ ब्राह्मण भोजन इत्यादि तर्पण की व्यवस्था भी रहेगी। आप अपने गोत्र के अनुसार से जानकर, विधि जानकर आश्रम से इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं।